पहले लाठी से काम होता था, अभी टकबा से काम हो रहा है, रुपया से होता है। रुपया से होता है, टका नहीं देबह ना है तो जा चल जा। अरे लोग कहे छे अखन टका मांगे छे, लालू यादव के टाइम टका छीन ले रहे, छीन ले रहे की छीनियो से छीन ले रहे। मैं लालू यादव लिखा टका छीनबो करते काम है रे, काम है रे, काम है रे, टका भले छीन ले रहे काम है रे। आ जाए तो हो बाप, टका बगैर काम ही नहीं छे। यही 2025 में चावल गेहूं बंद होगा, रविंद्र राय का नारा है। बजट बजट पे चावल गेहूं चलता, क्यों नहीं मोदी बोलता कि जीवन भर चावल गेहूं फ्री मिलेगा, 2000 जीवन भर मिलेगा, नहीं बजट पे। आदमी तो लालच दे रहा है, 12000 रुपया लेटरिन रूम का दे रहा है, नाली बना है, उसके बाद चापाकली जो नल है, नल जल सब चीज चल रहा है, रोड अच्छा बना है। हम मोदी का फैन है और मैं मोदी को भी, हाँ मोदी का फैन है, हम विश्वगुरु, उसको बनाना है, हैट्रिक मरवाना है, हैट्रिक मरवाना, हैट्रिक मरवाना। आप लोग क्या कीजिएगा जी, की करते वो लेटरिंग रूम में जाकर वोट गिरवेते। तो मोदी जी अपने बाप के घर से बनाता, हम लोग टैक्स भरते हैं, टैक्स से रोड बनता है। कोई मूर्ख चपा जो कहते हैं ना, वो कहता है मोदी जी रोड बनाते, मोदी जी बनाते हैं, हम लोग टैक्स भरते हैं, हमरे रुपया की कह रहा। तीन पहिया जो ऑटो रिक्शा चल रहे हो, वो कोर चार्ज ला लेते तब रोड बने। बिहार का मधेपुरा जिला कहा जाता है, मधेपुरा यादवों का शहर है। उसी यादवों के शहर में एक टोला है, यादवों का टोला। ये जो आप देख रहे हैं जहां मैं आया हूं अभी, ये यादवों का टोला है और लगभग यहां यादव लोग ही हैं, बाकी कुछ दूसरे जाति भी हैं। आज हम जानेंगे कि मधेपुरा जिला किसे जिता रहा है, क्योंकि यहां दोनों यादव जी खड़े हुए हैं, कुमार चंद्रदीप जी जो राजद से है और जदयू से दिनेश चंद्र यादव। अब यहाँ के लोग किसे जिताएंगे, ये बड़ी बड़ा मुद्दा होगा। की नाम बोले बाबा? बीरेन यादव। बीरेन यादव, बीरेन यादव किसके तरफ वोट जी? लालो, लालो तरफ, लालो तरफ है, लालो की तरफ, लालो की तरफ। हमारे जात छे, जात छे, ई भी ना है जी, विकास भी कहने छे, विकास भी, विकास किए हमारा, विकास कहने छे। जब नीतीश बा या मोदिया घर घर दारू का खोल लेते के या भट्टी सब पी ले चल लगा मुका का फट्टी। अच्छा एक चीज बताइए, दारू बंदी पे बात कर रहे हैं तो लालू यादव के साथ भी तो मिलके सरकार चलाया नीतीश कुमार, काहे ने बंद करवा दिया? मिलके चल गए तो दुकान खोलने रहे, ये दुकान खोल, दुकान खोलने रहे लालू यादव, अपना रिजर्व में दुकान खोलने रहे, दुकान खोले जरा पैसा रहे से किन का पिए रहे, तो घर में चोरा का पिए छे। पलटू चाचा पलट जाता है तो दारू कैसे बंद कराते? 17 महीना रहे ना महाराज, रहे लेकिन पलटू चाचा बोलते हम अपने मन से चलेंगे, कुछ बोलोगे तो हम जो है तो पलट जाएंगे। अच्छा पलट गया पलटू महाराज, आप लोग जो कहता है कि यहाँ कैसे दारू बंद कराता? अरे तो महाराज तेजस्वी कैसे क्रेडिट, तेजस्वी कैसे क्रेडिट ले रहा है कि हम इतना नौकरी दे दिए महाराज? जब नौकरी दल गए हमारे तीनटा भतीजा मास्टर बन ले। अच्छा तो महाराज के रहा मुख्यमंत्री? कोई रहे मुख्यमंत्री महजो कुरे पावर से, टीएसपी के पावर से, तेजस्वी के पावर से। तेजस्वी के पास जब पावर रहे तो दारू बंद करवा सकते, दारू चालू करवा सकते। दारू तो पहले नीतीश जी जो है ना गवर्नमेंट से लिखा के बंद कर दिए है, तो उसपे तो सोचना है। एक चीज बताइए, मधेपुरा का आदमी यादव सब काहे लालू के प्रति काहे इतना लगाओ? लागलो के पास इतना जो लागल छे न, ममता मैन और ला गले इंजिन का ओते कते रहे छे लालू जी बोले, अब ओते से घींच के ते के लाभ लके। हां कांख में लाठी लेके जाइए ब्लॉकवा में, वैसे रसीद कट जाएगा, कुछ हो जाएगा। अभी रसीद कटाने के लिए जाते, एक कवाला पर 25000 रुपया मांगता है, तो पर भी नहीं करता तो लालू जी कैसे अच्छा नेता? अरे चीज बताइए, लेकिन लोग तो कहता है कि जब लालू जी थे जंगल राज था महाराज, जैसे उस समय किसी को खाने के लिए 1970 में मिलता था, 60 में मिलता था, जैसन जैसन परिवर्तन हुआ, डेवलपमेंट ही हुआ। तो डेवलपमेंट किया क्यों, कौन किया? लालो किया, लालो किया, लालो किया, लालो देश, देश का आजाद हुआ। आपसे पूछते 47 में, 47 ईस्वी में खाने के लिए किसी को मिलता था नहीं। तो फिर डेवलपमेंट ही का, जैसे जैसे हम लोग ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ करेंगे तो सतत विकास होगा। अच्छा वैज्ञानिक मतलब एक चीज बताइए, मतलब नेता मंत्री सब कोई विकास नहीं करते, धीरे धीरे अपने मन से विकास नहीं, डेवलपमेंट ही होता है। जैसे हमारे खेत में 1 एकड़ में 20 मन अनाज होता था, अभी वही हम 60 मन उपजा रहे हैं। हमको भी होता है, सरकार को भी कमीशन होता है,
उसी तरह डेवलपमेंट ही होते जाता है। सड़क पर आप कैसे नहीं बनेगा। अच्छा, यहाँ के दिनेश चंद्र यादव कितना डेवलपमेंट किए हैं? उस समय 1000 गाड़ी पूरे इंडिया में नहीं होगा, अभी कई करोड़ गाड़ी है। हम लोग टैक्स भरते हैं, आदमी के पास पैसा है तब ना रोड खरीद रहा है। रोड मोदी जी अपने बाप के घर से बनाता, हम लोग टैक्स भरते हैं, टैक्स से रोड बनता है। कोई मूर्ख चपा जो कहते हैं ना, वो कहता है मोदी जी रोड बनाते, मोदी जी बनाते हैं, हम लोग टैक्स भरते हैं हमरे रुपया। की कह रहा है? तीन पहिया जो ऑटो रिक्शा चल रहे हैं वो कोर चार्ज ला लेते तब रोड बने। मोदी जी रोड नहीं बनाते। गांव का आदमी किसके तरफ जी? हम तो वैसे दिनेश चंद्र के तरफ है। हम दिनेश चंद्र यादव के तरफ है। हम मोदी से प्यार करते हैं, मोदी को विश्व गुरु बनाना है। मोदी बहुत अच्छा आदमी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ललन राय हुआ। ललन राय यादव है। यादव जी है? हाँ हाँ यादव जी। आपको मोदी जी पसंद है? मोदी जी हमको बहुत पसंद है। मोदी जी हमको बहुत अच्छा प्रधानमंत्री है। हाँ। उसको हम वोट देंगे। इसी गांव से ना? हाँ इसी गांव से हैं। और मोदी जी जो है आज किसान को हर 4 महीना पर 2000 दे रहा है, साल में 6000 दे रहा है। और जो किसान 60 साल के बाद यदि वो एक्सपायर कर गया तो उसके घर वाले को 3000 रुपया देगा, मंथली देगा। और 60 साल के बाद उसको जो है किसान को 3000 पेंशन भी किया है। यदि दुर्घटना हो गया तो उसको 2 लाख रुपया बीमा के तरफ से मिलता है। अभी जैसे मान के चलिए लेटरिन रूम 12000 रुपया लेटरिन रूम का दे रहा है, नाली बना है, उसके बाद चापाकल जो नल है, नल जल सब चीज चल रहा है, रोड अच्छा बना है। हम मोदी का फैन है और मोदी को भी हाँ मोदी का फैन है। हम जिस गुरु उसको बनाना है, हैट्रिक मरवाना है, हैट्रिक मरवाना है, हैट्रिक मरवाना। आप लोग क्या कीजिएगा जी? की करते वो लेटरिंग रूम में जाकर वोट गिरते? हाँ, हाँ, क्या क्या सुन पा रहे हैं आप? कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में भी खड़ा करेंगे खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। क्या बोल रहा है जी भाई? मोदी का और सुनिए ना, मोदी का जी आपका क्या रहा है? हम तो जानते हैं आपका क्या रहा है। हमको राय हमारा ये रहा है मोदी को देश से भगाना है। अच्छा, मोदी देश को बर्बाद करके छोड़ दिया है। ये सबका अलग अलग सोच है, अलग अलग सोच सबका है, लेकिन मेरे सोच से और लोग का सोच पूछ लीजिए। मोदी देश को बर्बाद कर दिया है। कैसे बर्बाद कर रहे हैं? देखिए मोदी आते समय क्या बोला था, मोदी मोदी जी का सरकार क्यों नहीं बनता है? मोदी आने वक्त बोला था कि रोजगार महंगाई को कम करेंगे, महंगाई को दुना कर दिया, रोजगार 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 2 करोड़ हर साल छीनिए लिया, रोजगार को छीन लिया। एक इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत बहुत फैक्ट्री कंपनी को बंद कर दिया, लोग बहुत बेरोजगार हो गया, महंगाई से त्राहिमाम है आम जनता। मोदी को कोई फर्क नहीं है। मोदी एसी के, मोदी का जितना बीजेपी का नेता है वो एसी के खोप में है। उसको पता कहाँ है कि गांव घर का आम जनता कैसे अपना जीवन जी रहा है, उसको पता नहीं है। लेकिन गांव का चीज बताइए, राहुल गांधी को पता है? राहुल गांधी पता है, उसको हर चीज पता है। कैसे पता है? वो भी तो महाराज हमेशा धान रोपने वाले के साथ धान रोपा है, उन्हीं का दिया हुआ है। क्या बोल? उन्हीं का दादा परदादा देश आजाद करवाए। आज 60-70 साल हुआ, क्या देश को बेच लिया? देश को बेच दिया, धीरे धीरे सब कुछ प्राइवेट कर दिया, देश को बेच दिया सब कुछ। देश का जो एयरपोर्ट, एयरलाइंस, BSNL जो सरकारी संस्था सबको बेच दिया। रेल ड्राइवर को कहता है 24 घंटा ड्यूटी करो, 50,000 रुपया सैलरी लगता है तो ओवर ड्यूटी उसको देता है। रेल घटना तो हो रही है और होगा घटना, कितना आदमी मरेगा ना, उसका गारंटी नहीं है। आप 50,000 में नौकरी नहीं दे रहे और रेल इंजन ड्राइवर को, चपरासी को, खलासी को आप ओवर ड्यूटी करवा रहे, ओवर ड्यूटी करवा रहे हैं। आप लोग नहीं जानते, जो है जितना जनता मुरुख चपात नहीं जानता, ओवर ड्यूटी क्यों करवाता है, क्यों नहीं नौकरी बहाली करता है? 10,000 रुपया ओवर ड्यूटी देता है, 8 घंटा ड्यूटी, आंख मोलते मोलते कितना लोग मरेगा ट्रेन से, मेरा वादा है। और आप देखिएगा, आप बोलते हैं बजट, बजट क्यों करता है 2000 रुपया पे, बजट क्यों करता है चावल गेहूं पे,
यही 2025 में चावल गेहूं बंद होगा, रविन्द्र राय का नारा है। बजट बजट पे चावल गेहूं चलता, क्यों नहीं मोदी बोलता है कि जीवन भर चावल गेहूं फ्री मिलेगा, 2000 जीवन भर मिलेगा, नहीं बजट पे। आदमी तो लालच दे रहा है क्या जी? लालच है, लालच। आज गैस हम लोग लेते हैं 1300 में, आज गैस मिल रहा है 800 में, लालच न है क्या? लालच न है, मोदी जी लालच नहीं दे रहे हैं। आप ही से पूछते हैं, हम लोग 1400 में गैस लेते, वही गैस आज 800 में मिल रहा है, तो मोदी जी लालच नहीं दे रहे हैं? आपसे पूछते हैं, लालच बताइए। एक्चुअली राहुल गांधी अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं 500 में गैस, तो लाद गैस देंगे जी। हाँ दे सकता है, देगा देगा, दे देंगे। हाँ देगा क्यों नहीं, विश्वास है पूरा। हाँ देगा, कर्नाटक दे रहा है, कर्नाटक में भी, कर्नाटक दे रहा है, कर्नाटक में भी, कर्नाटक में वादा किया था वो दे रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, फाइनल बात, ये गांव का गांव यादव जी का है, इधर या यहाँ के यादव किसके तरफ है पहले बताइए? लालो के तरफ, आरजेडी की तरफ, आरजेडी कहा जी? लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव, युवा भी लालू प्रसाद यादव, इंडिया गठबंधन की बाबा, लालू प्रसाद, लालू प्रसाद, हाँ है लालू प्रसाद यादव। हाँ वो क्या नाम है? उपेंद्र ठाकुर, उपेंद्र ठाकुर, ये महाराज ठाकुरो जी, हाँ जी हाँ, ओकरे तरफ, ओकरे तरफ का है, उसके तरफ जी, ओकरे तरफ रहबे करबे, यादव जी के गाँव में रहते है इसीलिए नहीं, हर चीज के चर हर चीज के समधाम करके रह, कौन चीज कर लगा बहुत आधारो कार्ड बनबे ओतबे टका, सब टके बहुत रहा थे, लाठी से काम है रे आप, टका से, पहले लाठी से काम होता था, अभी टकबा से काम हो रहा है, रुपया से होता है, टका नहीं तो भरना है तो जा चल जा। अरे लोग कहे छे अखन टका मांगे छे, लालू यादव के टाइम टका छीन ले रहे, छीन ले रहे की छीनियो से छीन ले रहे, मैं लालू यादव लिखा टका छीनबो करते काम है रे, काम है, काम है, भले छीन ले रहा लेकिन काम है रे, आइए तो हो बाप, टका बगैर काम ही नहीं छे, बकरी बहबे ले जेबे तो 200 टका दो, 200 टका दो, कृपा मोदी के छे, क्या बोल रहे हो? वो मोदी लागू करे, युवा कितना उम्र हो रहा जी? 16 साल, 16 साल, वोट तो नहीं देगा? नहीं नहीं, क्या नाम है? अभिमन्यु कुमार। किधर जाएगा वोट? लालटेम साहब की तरफ, लालटेम साहब। अच्छा लगते हैं कैंडिडेट? हाँ हाँ, पूरा अच्छा, पूरा अच्छा लगता है। कुमार चंद्रदीप से मिले हैं? नहीं नहीं मिले हैं। तो महाराज कैसे जान रहे हैं वो काम करेंगे जी? वो आया था छाप, जानते हैं लालटेम छापे काम करेगा, आरजेडी है, आरजेडी को डालेंगे, आरजेडी आरजेडी डालिएगा, बस बस। बाकी देखिए यहाँ कुछ लेडीज है, क्या नाम हुआ जी? अरे रुकिए तो, अरे बात तो कीजिए। यहाँ देखिए ये है, ये साहूगढ़ है, बाकी यहाँ देखिए गांव है, कुछ दुकानें हैं, यहाँ पे चौक है, ये महिलाएं बात नहीं कर रही है, बाकी पुरुषों से मैंने अभी पूछा। यहाँ एक दो यादव जी जो थे, जो मोदी के भक्त भी थे, बाकी मोदी जी के बारे में भी बोल रहे थे, लेकिन यहाँ के अधिकांश लोग जो है वो यही कह रहे हैं कि हम लालटेनिया है महाराज, हम लालटेने छाप पे वोट करेंगे। बाकी आपकी क्या राय है आप हमें कॉमेंट के माध्यम से बताएं, और देखते रहे सब न्यूज लाइव, मैं हूं रिंकेश, धन्यवाद।